हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं होली की वीडियो लेकर के आई हूं। तो भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूं आग से ना जलने के वरदान प्राप्त होते हुए भी दहन क्यों हो गई थी होलिका। भक्तों, फागुन पूर्णिमा के मनाया जाने वाला होलिका नामक त्यौहार वर्ष का अंतिम तथा जन सामान्य का सबसे बड़ा त्यौहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद श्री हरि विष्णु के भक्त हैं। हिरण्यकश्यप भगवान श्री हरि की भक्ति करने से मना करते थे, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माने, प्रहलाद के मारने के लिए अनेकों उपाय करने लगे। पहाड़ पर ले जाकर गहरी खाई में गिराया, मारने का काफी प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा। हिरण्यकश्यप की बहन ने कहा कि भाई, मैं एक बार में ही उसे जला कर मार सकती हूँ। उसको तो पता है मुझे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त है, मुझे अग्नि नहीं जला सकती। अगर मैं इसे गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाऊँगी तो ये जलकर मर जाएगा। उसे ये ज्ञात नहीं था कि ये वरदान सिर्फ उस अकेले के लिए था, किसी और को साथ लेकर मरने के इरादे से नहीं। और उसमें बहुत खुशी के साथ एक चिता तैयार कराई और उसमें बैठ गई, और राक्षसों ने चिता में आग लगा दी और प्रहलाद श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करने लगे, और आग लगने पर होलिका चिल्लाने लगी और जलकर भस्म हो गई। और श्री हरि विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद का बाल विवाह का ना हुआ। तब से होलिका जलाने की प्रथा चल रही है। तब से होली जलाने की प्रक्रिया देश में हर वर्ष मनाई जाती है। उस दिन चने और गेहूं और जौ की बालियां भूनने की प्रथा भी है, और उसके बाद सारे नगर में बांटने की प्रथा भी है। इसके बाद गेहूं को जो कि कटाई प्रारंभ हो जाती है। तो भक्तों, आपने देखा होलिका को वरदान प्राप्त होते हुए भी होलिका क्यों जल गई। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा।